આ સાથે જ આજે એસ્કોર્ટ્સમાં જબરજસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. ચોમાસું લગભગ સમગ્ર દેશમાં બેસી ગયું છે ત્યારે આ વર્ષે સોમાચાની સારા ચોમાસાની આશા વચ્ચે ટ્રેક્ટર સેલ્સમાં ઉછાળાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે અને કંપની ઉપર બ્રોકરેજ હાઉસ પણ બોલિશ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે એસ્કોર્ટ ગ્રુપના ફાઇનાન્શિયલ કંટ્રોલર ભરત મદાન આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. ભરતજી, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. સૌથી પહેલાથી એ જાણવા ચાહેંગે કે અચ્છી બારિશ કે અનુમાન હૈ, ડિમાન્ડ સિનારિયો આપ કિસ તરહ સે દેખ રહે હૈ? हमारी उम्मीद में अगर आप पिछले तीन महीने का ट्रेंड देखें तो आई थिंक मार्च अप्रैल में तीनों महीने में इंडस्ट्री जो है 14 से 15% ग्रोथ दिखा रही है. और इसमें अगर आप रीजन वाइज पैटर्न देखें तो स्पेशली साउथ की जो मार्केट है वो ज्यादा ग्रो कर रही है. तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी मार्केट में काफी सालों के बाद में एक बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, जो 70-80% तक के लेवल की ग्रोथ दिख रही है वहां पे. लेकिन जो नॉर्दर्न मार्केट है जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये मार्केट अभी भी डी ग्रोथ के मोड में ही है. लेकिन डी ग्रोथ का जो रेट था, जो पहले पिछले डेढ़ साल में हम 30-35% का डी ग्रोथ रेट देख रहे थे, वो कम होकर अभी लोअर सिंगल डिजिट पे आ गया, जो 5-8% के लेवल पे है. हमारी उम्मीद है अगर मानसून अच्छा आता है तो मे बी आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स सेकेंड हाफ में इस साल में नॉर्दर्न मार्केट में भी थोड़ी ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो अभी थोड़ी डिस्पैरिटी है रीजन वाइज ग्रोथ में वो थोड़ी इवन आउट हो जाएगी. तो ओवरऑल आई थिंक FY17 हमें लगता है अगर मानसून अच्छा रहा तो 10% से ऊपर की ग्रोथ ट्रैक्टर इंडस्ट्री डेफिनेटली दिखाएगी. साथ ही सर यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अच्छी बारिश का अनुमान तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी जो फिलहाल जो पिक्चर दिख रहा है उसको देख के हम क्या देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी डिमांड इम्प्रूवाइज नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का स्प्रेड आउट अच्छा रहा तो क्या यहाँ पे डिमांड सिनेरियो चेंज होता दिख रहा है? कौन से ऐसे सेक्टर्स, कौन से ऐसे स्टेट देख रहे हैं जहाँ पे ये इन्वायरमेंट सुधरता हुआ दिखेगा? अगर आप देखें तो जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं वो टोटली रेन डिपेंडेंट नहीं है इरिगेशन के लिए, सो ये एक प्लस पॉइंट है. तो इसलिए बारिश अगर थोड़ी कम भी होती है इन जगह पे तो उससे इतना डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं होगी ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए. तो एज लॉन्ग एज तो सेंटीमेंट रिमेन पॉजिटिव, तो आई थिंक हमें लगता है, उम्मीद है कि अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंट रहती भी है रेनफॉल वहाँ पे उन एरियाज में नॉर्थ स्टेट में, स्टिल हमें थोड़ी बायंसी देखने को मिल सकती है ट्रैक्टर की ग्रोथ नंबर्स में, स्पेशली मार्केट्स जैसे बिहार या एमपी और राजस्थान में हमें लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ आएगी. तो सेंटर का बड़ा अच्छा फोरकास्ट है मानसून का. सिर्फ नॉर्दर्न की मार्केट में पंजाब हरियाणा में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, यूपी और बिहार में लगता है थोड़ी ग्रोथ दिखाएंगे इस बार. ओके, साथ ही सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो मंथली सेल्स रहती है ट्रैक्टर सेगमेंट में खास करके, वहां पे किस तरह का सेल्स टारगेट आप लेके चलते हैं, और इस बार क्या लग रहा है कि बारिश के पहले वाले जो महीना है, मतलब कि अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है? हाँ जी, तभी जैसे हम अप्रैल मई के मंथ के नंबर देखे तो हमारी रफली 10% की ग्रोथ अभी देखने में मिली है स्कॉट्स के वॉल्यूम में. और हमें उम्मीद है कि जून का महीना जो कि इस क्वार्टर में सबसे पीक मंथ होता है सेल्स का इस सीजन का, तो उस पर भी हमें सिमिलर ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिलेगा. तो 8-10% ग्रोथ की हम जून के महीने में भी उम्मीद करते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल एस्कॉर्ट्स का अगर आप देखें वॉल्यूम, तो अगर मानसून ठीक रहता है तो हमें इस फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि थोड़ा ग्रोथ लेवल में भी कम हो सकता है, बट सेकेंड हाफ में जब नॉर्दर्न मार्केट में भी थोड़ी ग्रोथ दिखेगी तो उसका एडवांटेज एस्कॉर्ट्स को भी मिलेगा. ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं, FY17 के लिए क्या टारगेट लेके चल सकते हैं? जैसे मैंने, हमें डेफिनेटली अगर मानसून अगर ठीक रहता है, अच्छा होता है, तो हमें 10% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री, और स्पेशली सेकेंड हाफ में काफी आपको पॉजिटिव सरप्राइज भी मिल सकता है, जैसे हम 15-20% की ग्रोथ भी उम्मीद कर सकते हैं. ओके, आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेगमेंट रहे और कौन से ऐसे सेक्टर्स रहे जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है अब तक, और आने वाले दिनों में भी यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ आती हुई देख सकती है, ऐसे कहाँ पे आप सेगमेंट देख रहे हैं? तो अगर आप एस्कॉर्ट्स की बात करें तो जैसे हमारे 3 स्ट्रॉन्ग सेगमेंट जो है, जिसमें मेन ट्रैक्टर बिजनेस है जिसमें हमारा 80% रेवेन्यू आता है, जिसमें हमने अभी बात की 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल में. दूसरा सेगमेंट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट है. यहाँ भी आप देखें तो पिछले 4 साल की बात है, फर्स्ट टाइम लास्ट क्वार्टर में FY16 में वो सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली. और ओवरऑल अब पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें तो ये सेक्टर अक्रॉस ऑल वर्टिकल 50-60% की ग्रोथ दिखाई है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी. तो हमें उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी इस साल में अच्छा ग्रो करेगा, और उसमें मार्जिन पे भी जो हमारा अभी तक का प्रेशर था, जो बिजनेस थोड़ा लॉस बना रहा था, हमारी उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन में भी हम इस साल में ब्रेक इवन कर पाएंगे एबिट लेवल. तीसरा सेगमेंट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वो रेलवे का.
रेलवे हम काफी बुलिश हैं। अभी जो हमारी अनाउंसमेंट अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने की है और जो गवर्नमेंट की जो उस पर अटेंशन दी जा रही है, तो उससे हमें लगता है कि अगले 3-4 साल में रेलवे का सेगमेंट काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 1 जून को हमारी रेलवे बिजनेस में 95 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो हमारी पिछले 8-10 साल में हाईएस्ट ऑर्डर लेवल है। तो काफी ऑर्डर इनफ्लो हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि रेलवे सेगमेंट भी इस साल में हमारा 15-20% की ग्रोथ दिखाएगा। तो ओवरऑल ऑल थ्री सेगमेंट आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर एस्कॉर्ट, वी आर वेरी बुलिश। एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हमें लगता है, जब तक ये इलेक्शन ईयर तक हम पहुंचेंगे तब तक ये तीनों सेगमेंट हमारे काफी अच्छी ग्रोथ दिखा पाएंगे। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए। તો અત્યારે આપણે અહીંયા એસ્કોર્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા। આજના દિવસમાં સ્ટોક 12.5% કરતાં વધુની એક તેજી કરતો દેખાઈ ચૂક્યો છે અને આપણે જોઈએ તો જે રીતના પરિણામો બાદ આપણે માર્ચ ક્વાર્ટરના પરિણામો બાદ આપણને સ્ટોકની અંદર દબાણ દેખાયું હતું, એ દબાણને દૂર કરી અને એક સ્લો પેસની અંદર પણ સ્ટોક આગળ વધતો દેખાયો અને આજના દિવસની અંદર આપણે એક જોયો તો ઘણા સારા વોલ્યુમ સાથે અહીંયા ખરીદદારી આવતી આપણને જોવા મળી રહી છે। આ સાથે જ અહીંયા ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટ ઉપર પણ આપણે એક ફરી વખત નજર કરવાની રહેશે, કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ